कुछ लोग इंतकामन खून बहाते हैं, हैदर आदतन खून बहाता है। ऐसे ना तो एक दिन तेरे दूध के दांत टूट के गिर जाएंगे। सच में भाव, एक तो हिल भी रहा है। अब उंगली मुंह से और तू कमरे से बाहर, समझ ला? भाव, आई कहती है दूध पीने से ताकत आती है। अगर दूध में ताकत होती है तो दूध के दांत कमजोर क्यों होता है? भीयू, मुझे नहीं पता। और तू ये सब प्रश्न उस पढ़ाकू चिमना से क्यों नहीं पूछती है? क्योंकि वो कहते हैं पहले हमें श्री चिमना जी साहेब बुलाओ, प्रणाम करो, अगर नहीं करूं तो डांट देते हैं। तुझे चिमना से भय लगता है? थोड़ा सा, चींटी जितना। और मुझसे? आपसे कौन डरेगा, आप तो भाव हो। जा जाके पगड़ी लेकर आ। हाँ। लग रहे हो। ये क्या तमाशा है? काय चल रहा है? बाबा सही कहते हैं आई, क्रोध में कही हुई बात और प्रसन्नता में दिया वो वचन दोनों बहुत ही भारी पड़ते हैं। कल मैं नासिर से जीतने के बाद इतना प्रसन्न हो गया था कि मैंने भीयू से कह दिया तू जो मांगेगी मैं वो दूंगा। अच्छा, हाँ। तो क्या मांगा है इसने? हेच, कि मैं बाबा की तरह तैयार होकर और इसकी गुड़िया ताड़का का कन्यादान करूं। ताड़का नहीं सीता, और तुम हो उसके पिता, जो खाए पक्का पपीता। अब जल्दी करो भाव, परशु और उसकी बहन बारात लेकर आते ही होंगे। चिमना भाव तो पहले ही मंडप में पहुंच गए हैं। चलो चलो जल्दी उतारो भाव। हाँ। आई, क्यों भी हो? आज खेल खेल में तो तूने बाबा की पगड़ी पहन ली, पर स्मरण रहे ये पगड़ी मराठियों के लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, उनका वचन, उनका सम्मान, उनकी पहचान सब कुछ है। इसे सर पे पहना है, कभी पांव में गिरने मत देना। कर लो। हो आई, अब चलो जाओ, भागो, देर हो रही है, जा। भाओ, दुल्हन की माँ। अरे भीयू।
माँ भवानी देवी है, फिर भी उनके हाथ में शस्त्र है, क्यों? क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध आवश्यक होता है। सज्जन की रक्षा दुर्जन के विनाश के बिना असंभव है, इसलिए अब वक्त आ गया है कि शक्ति स्वरूप माँ भवानी के दिखाए मार्ग पर हम चले और मुगलों को यह बता दें कि मराठी अभी भी शस्त्र चलाना नहीं भूले। बालाजी ने जो काम किया है वो बहुत ही छोटा है। उन्होंने बस पर्वत पर एक कंकड़ मारा है, अब उस पर्वत के नीचे की भूमि हिलाने का समय आ गया है। परशुराम त्रिंबक जी, हमें आपसे परणी चाहिए। जो आज्ञा रानी साहेब। शंकर नारायण जी, हमें आपसे तोरणा और सिंहगढ़ चाहिए। ओ रानी साहिबा। प्रिया नायक जी, सोमशंकर जी, हमें आपसे पन्हाड़ा और पावनगढ़ चाहिए। नाना जी, आप हमारी सेना बल से सबकी सहायता करेंगे। और रानी साहब, रानी हमारे लिए क्या आदेश है रानी साहब? आप हमारे लिए भैरवगढ़ लाएंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। ऐसे खिकी खिकी करके क्यों हंसती है? आंसू देना, जो हंसती है ना तो अच्छा लगता है, और जब वो सकारम हलवाई की लड़की हंसती तो बहुत अच्छा लगता है। वाह, जब लड़कियां हंसती तो ऐसा लगता है गुलाब जल रहे हैं, जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है गुलाब जामुन जल रहे हैं। हाँ, कोई गुलाब जामुन नहीं जलते, रात जलते हैं। मेरी गुड़िया चली बिहार खूब खुश रहेगी, खूब खुश रहेगी। मेरी गुड़िया चली बिहार खूब खुश रहेगी, खूब खुश रहेगी। बाबा को मेरी कोई चिंता ही नहीं है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो मेरा विवाह भी तो होना चाहिए ना। मेरे बाबा सच्चे तो ये व्यू है, इसे कितनी परवाह है अपनी बुड्ढी के लिए। ये सब लोग विवाह क्यों करना चाहते हैं? विवाह में क्या मिलता है? सब कुछ। अरे विचार कर, अगर मेरा विवाह हो गया तो आई मुझे नहीं डांटेगी, बाबा खुद थोड़े पैसे दिया करेंगे। अभी तो समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी तब मेरे मन में भी हर पल उसका ख्याल रहेगा। वो लड़की मुझे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएंगी और कक्षा में मिला गृह कार्य वो भी कर दिया करेगी, और तू मुझे बस परेशान करता रहेगा। चिमना, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना। चिमना नहीं, चिमनाजी साहेब। श्रीमान चिमनाजी साहेब, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए ना।
मुझे बहुत सारा काम है। अब स्थान बदलिए। वाह, जूना कितनी तेजी से मंत्र पढ़ रहा है। मैं अपनी शादी में इसे ही बुलाऊंगा ताकि भोजन के लिए अधिक समय मिले। विवाह संपन्न हुआ। श्रीमान बाजी, अब आप बिहु की गुड़िया सीता का कन्यादान कीजिए ताकि वो बदमा के गुड्डे के साथ विदा हो सके। पद्मा को ये गुड़िया दे दे। सब मोह माया है। पद्मा, अपने गुड्डे से कह देना कि शादी का मतलब होता है कि वो कभी बिहु की गुड़िया को चढ़ाएगा नहीं, उसके हिस्से का खाना नहीं खाएगा और उसकी चोटी नहीं खींचेगा। शादी सदा सदा का बंधन होता है। एक बार बन गया तो एक नहीं, सात जन्म तक नहीं खुलता। अब हम चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना अपने सीता का विवाह। मैं अपने सीता को नहीं जाने दूंगी। मेरी सहेलियों में यही तो है जो मेरे दादू का मजाक नहीं उड़ाती, मेरा खाना नहीं खाती और मुझसे लड़ती भी नहीं। सीता नहीं जाएगी। पर तूने वचन दिया था बिहु, और अब तो विवाह भी हो गया। तो क्या हुआ? झूठ मूठ का विवाह है। तूने कसम खाई थी। हरिभाग की हरी सुपारी लक्ष्मण जी ने कसम उतारी। दे मेरी गुड़िया। नहीं, दे मेरी गुड़िया। ये मेरी सीता है, मैं नहीं दूंगी। दे मेरी गुड़िया। मेरी है। दे मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया। दे मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया। और पाप है ये, अनर्थ हो गया। श्री चूना जी साहेब की की गई शादी में ऐसा नहीं हो सकता। अरे बस! रानी साहेब, आपने ये क्या कह दिया? बालाजी मुनीम से सुबेदार हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इतने सक्षम हो गए हैं कि एक टुकड़ी सेना के साथ भैरवगढ़ जीत ले। आप भूल रहे हैं रामचंद्र बावड़ेकर जी, पूरे मराठी साम्राज्य में सिर्फ भैरवगढ़ ही ऐसा किला है जो रत्नागिरी, सातारा और सांगली तीनों पर नियंत्रण कर सकता है। एक टुकड़ी सेना लेके वहां तक पहुंच पाना इतनी सरल बात नहीं है, इसलिए बालाजी ये काम सिर्फ दो साथियों के साथ करेंगे। हम तैयार हैं रानी साहब। आपका यही कुछ कर गुजरने का जुनून हमें अच्छा लगता है। यूं समझ लीजिए ये आपका एक इम्तिहान है। इस कक्ष में उपस्थित हर आदमी का यही मानना है कि केवल दो साथियों के साथ भैरवगढ़ जीत पाना असंभव है। अब जाइए, इस असंभव को संभव कर दीजिए। और अगर आपने ऐसा किया तो हमारे दरबार में सदैव स्थान रहेगा। रानी साहब, निकलना कब होगा? जाओ। बिहु, गुड़िया को विदा कर और इसे पद्मा को दे दे। आप मेरे भाव हो और आप पद्मा का साथ दे रहे हो,
नहीं भी हूँ, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ। मैंने तुझे वचन दिया था ना, और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तेरी गुड़िया के विवाह में आना पड़ा, और ऐसे ही तूने ही पद्मा को वचन दिया था, इसीलिए ये गुड़िया पद्मा को दे दे। हाँ, ये विवाह भले ही झूठा है पर वचन सदैव सच्चा होता है, और सच्चा वचन अंतिम सांस तक नहीं तोड़ जाता। मराठी का वचन उसका हट होता है, और मराठी अपना हट कभी नहीं छोड़ सकता। और भीम, तुझे तो पता है ना, जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। दे दे भीम, विदा कर दे इसे। ले जा सीता, और इसकी हर रोज छोटी बनाना। मैं रोज इसकी छोटी बनाऊंगी, इसे लोरी सुनाऊंगी, और तेरे साथ खेलने के लिए इसके माइके यानी तेरे घर भी भेज दिया करूंगी। अब हम चलते हैं बीयू। जब बाबा आएंगे तो उनसे मांग लेना। इस समय आप भी मेरे बाबा हो, और अब मैं सीता की चुनरी किसको पहनाऊंगी? मुझे गुड़िया चाहिए। हम इस बारे में सोचेंगे। गोटिया, तू भीयू को घर लेकर जा, मैं उसके लिए गुड़िया लेकर आता हूँ। हाँ। बाजी की जान तो इसकी बहन में अटकी है हुजूर। अब बहन का प्यार ही बाजी को उसकी मौत तक खींच कर ले आएगा। सैन्य बल के बजाय बुद्धि बल का प्रयोग करना आपको ज्यादा रास आता बालाजी। काय करूं साहब, आगे तो बढ़ना है ना। आपके दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लग गए होंगे। इस गुड़िया को देखकर कितनी खुश होगी। तू हाथी पे आ या घोड़े पे या फिर गधे पे, पर हर बार हार तेरी ही होगी। इसीलिए कह रहा हूं, ये मराठी भूमि छोड़कर वापस आगरा चला जा। तू हमें हराने के ख्वाब देखने में इतना खो गया बाजी कि तुझे ये तक नहीं दिखा कि तूने खुद अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। कौन सी चीज? तेरी बहन, जो अब हमारे कब्जे में है। नासिर, तेरी ये हिम्मत। हिम्मत तो हम कर चुके हैं बाजी, अब तेरी बारी। अगर तुझे तेरी बहन चाहिए तो आकर छुड़ा ले मरुभूमि के पास वाले टीले से। तारा रानी साहब, आपने इस बालाजी में ऐसा क्या अति विशेष देखा जो इतना बड़ा कार्य उन्हें सौंप दिया? ये कार्य असंभव है, अशक्य है। जानते हैं, पर इससे पहले दो बार बालाजी ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये वो आदमी है जो हार के भय से दांव लगाना बंद नहीं करता, जिनके पास कुछ नहीं होता और जिन्हें नीचे से ऊपर उठने का मौका मिलता है, ऐसे लोगों का जुनून
औरों से कई ज्यादा होता है। इसलिए हम नहीं जानते कि बालाजी इस कार्य में सफल होंगे या नहीं, पर वो प्रयत्न पूरा करेंगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। बहुया, बालाजी इस असंभव को संभव कर पाते हैं या नहीं? बातें बड़ी और अक्ल छोटी। तुझे बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान रहा बाजी। तेरी बहन तो अब तक घर भी पहुंच गई होगी, पर तू कम अक्ल, खुद यहां आकर हमारे जाल में फंस गया। बीयू ठीक है, बीयू ठीक है, हर हर महादेव। बहन तो बच गई, लेकिन तू तो जान से गया ना। कौन मारेगा मुझे? तू देख। मुझे लगता है कि मराठियों की तेजी मुगलों की ताकत को हरा देगी। चल दिखा अपनी तेजी। हार मान ले रे बाजी। मेरे बाबा कहते हैं मराठी हार सकता है, पर एक मराठी हार मान नहीं सकता। इसलिए अब चाहे मैं हारूं या जीतूं, मगर लड़ूंगा जरूर। अब चाहे तू अकेला लड़ या इन सबको साथ लेकर ला। संवेदिया पत्र देकर गया आपके लिए। गण गणपतये नमः। बाहर देखना बंद कीजिए सरकार, हम नहीं आने वाले। अगर शर्माना बंद किया तो परेशान होना शुरू कर दिया, चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहरी हो जाएं तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, समझ लो। अणि हमें आपके चेहरे पर एक ही रेखा पसंद है, आपकी मुस्कुराहट। मीठी मीठी बातें करने से कुछ नहीं होगा, मुझे क्रोध आ रहा है तो बस आ रहा है। हम जानते हैं कि आपको क्रोध आ रहा है, आना भी चाहिए। आखिर हम आपकी अनुमति लिए बिना एक ऐसे कार्य पर गए हैं जहां से हम कब लौटेंगे स्वयं हमें भी नहीं पता। ऐसी कौन सी जगह गए? आप कहती है ना, एक काम में सफलता मंजिल नहीं होती, दूसरे काम तक पहुंचने की सीढ़ी होती है। तारा रानी साहब भी यही सोचती हैं। इसलिए कमरुद्दीन के विरुद्ध सफलता से प्रभावित होकर तारा रानी साहब ने हमें बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, जिसे पूरा करने के लिए कुछ समय तक हमें सासवड़ से बाहर रहना पड़ेगा। ये कार्य अत्यंत गोपनीय है, इसी कारण लौटने तक हम ना तो आपको कोई पत्र लिख पाएंगे और ना ही कोई सूचना भिजवा पाएंगे। नहीं नहीं, रड़ो ना का,
रोइए मत सरकार, संभालिए अपने आप को। और सुनिए, जब तक हम नहीं लौटेंगे, आप बच्चों की आई भी हैं, आनी बाबा भी। अगर आप विचलित हो गई तो बच्चों को कौन समझाएगा? सरकार, अब आप ही उनकी रक्षक है, उनका ध्यान रखिएगा, आनी अपना भी। होगा आप अपना दायित्व निभाइए, मैं अपना दायित्व निभाऊंगी। क्षमा कीजिए, जानती हूं आपने रोने से मना किया, और ये भी जानती हूं कि मैं एक वीर की पत्नी हूं। अगर क्या करूं, आंसू बहादुरों का रोब नहीं मानते। अब चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। आई, आई। हाँ। आई। हाँ, आ गए। सीता का विवाह हो गया। अरे बाजी कहाँ है? अब चाहे मैं हारूं या जीतूं, मगर लड़ूंगा जरूर। अब चाहे तू अकेला लड़ या इन सबको साथ लेकर लड़। लड़ना तो सीख लेना सिर, मराठी झुकता भी है तो भी पगड़ी नहीं गिरने देता। पकड़ना ही था तो थोड़ी श्रद्धा से पकड़ता। पीछे बाजी छोड़ना नहीं बाजी, तुझे तेरे मिट्टी की कसम है बाजी।
यह हमारी मिट्टी है, यहाँ हमसे उलझना मत वरना मिट्टी में मिला दूंगा। हैदर! बचेगा तो नहीं अब हुजूर, अगर यहाँ से गिरकर ना मरा तो नीचे और भी दर्दनाक मौत इंतजार कर रही है। ये मरुभूमि है, यहाँ बहुत ही जहरीले घोरपड़ रहते हैं, यहाँ से ये जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। से भैरवगढ़ मुगलों के हाथ गया है, मात्र किले के द्वार ही नहीं हमारे भाग्य के द्वार भी बंद है। हमारे पति जो किले के अंदर व्यापार के सिलसिले में गए हुए थे, तब से वही कैद है, गुलाम है। मुगल उन आम लोगों से मजदूरों की तरह काम करवाते हैं। वर्षों से हमारे पति इस दीवार पर दिए जलाते हैं, इस आशा में के दियों की रोशनी में उन्हें वापसी का मार्ग दिख सके। और हर सुबह मुगल सेना के मराठी सैनिक आकर इनमें से कुछ दियों को उल्टा कर देते हैं। क्यों? ताकि ये बताने के लिए कि कल किले में हमारे लोगों में से और कितने जीवन बुझ गए। क्यों अपने आप से लड़ नहीं पाते? जिस आग को सिर्फ दिया बनकर जलना आता है वो देर सवेर बुझ ही जाता है। खास जीना है तो मशाल बनकर जलाना भी सीखना होगा। जीवित रहने का अधिकार उसी को है जो जीवन के लिए लड़ना जानता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की ताकत को तलवारों में तौला था, उस साहस की आग को फिर से जलाना होगा, वरना अंधेरे के सांप डसने में देर नहीं करेंगे। Thank you.
आधी रात हो गई, बाजी अभी तक नहीं लौटा। जिम्ना, नारू काका, जिम्ना जल्दी आओ। नारू बाबू, आधी रात हो गई है, बाजी अब तक नहीं लौटा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जिम्ना जा, जा अपने भाव को ढूंढ के ला। चल चल चल। आने दो उसे, ऐसे पिटाई करूंगी, ऐसे पिटाई करूंगी कि घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। इतना अत्याचार मात्र इसलिए कि उसने मुगलों की बात नहीं मानी। सही सुना था बालाजी कि भैरवगढ़ में मराठियों के प्राण और सम्मान दोनों का ही मोल नहीं रहा। इसीलिए तो अत्याचार के इस वृक्ष को जड़ से उखाड़ने आप और हम यहाँ आए खास। मुगलों को हमारे भाइयों के प्राण और सम्मान दोनों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये तारा रानी साहब ने हमें किस नरक में भेज दिया? यहाँ तो स्वयं अपने ही अपनों के शत्रु बने हुए हैं। बालाजी कुछ कीजिए, क्योंकि क्या हुआ बालाजी? हमें रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी खास। ठहरो, बंधन खोल दो इसके। पर हुक्म तो 100 कोड़ों का था। हुक्म इसे दर्द देने का था। अगर ये मर गया तो ना दर्द रहेगा ना ही डर। जाने दो इसे। चलो। बालाजी, आपको कैसे पता था कि वो रुक जाएगा? उसकी बातों से तो लग रहा था कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं। आपने उसके मुंह की बात सुनी होनी, हमने आंखों की। अगर उसके मन में इतनी हिदायत हो तो उसे इतना दंड क्यों दिया? पर वो मुगलों की तरफ से क्यों? ये आदमी एक पीपल की तरह है, पत्थरों के बीच भी जड़ें पकड़ लेता है। पीपल की कोठर में चाहे जितने सांप रहे, पीपल की छाव कभी जहरीली नहीं होती। ये आदमी मुगलों के साथ अवश्य है, अपने देशवासियों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है। इसमें अपने लोगों के लिए तलवार बनने का साहस ना सही, ढाल बनने का धैर्य अवश्य है। अब देखिएगा, यही आदमी हमें किले के अंदर पहुंचाएगा। काय? पर कैसे? शीघ्र पता चल जाएगा, पर पहले चल के हमें महुआ के फूल ढूंढने हैं। आप महुआ के फूलों से क्या करने वाले? आप कभी हमारे पुत्र बाजी से मिले? नहीं। इस बार वापस जाएंगे तो मिलवाएंगे। आप दोनों की खूब जमेगी, दोनों बहुत सवाल पूछते हैं। नहीं मिला मतलब? कैसे नहीं मिला? बालू का दोस्त सावन, वो कह रहा था कि उसने बाजी को मरुभूमि की पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा था। मरुभूमि? बाजी वहां क्यों जाएगा? उसका वहां जाना मना है। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं वहां गया। मैंने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। वो खो गया है काकू। खो गया मतलब? खो गया का मतलब क्या होता है? कब देखा है उसका? यहाँ तक आता है मेरे, खो कैसे जाएगा? कुछ भी बोलता है। आई? हाँ चिमना। हमने भी भाव को हर जगह देखा पर वो हमें भी कहीं नहीं मिले। तूने माँ की नजर से नहीं देखा ना, इसीलिए। अभी देखना, मैं जाऊंगी ना तो एक घड़ी में उसको लेके आऊंगी। काकू! गोटिया, मीना भाजी कहाँ है? तू भी खाली हाथ लौटा? चुप क्यों है? बोल ना, कहाँ है बाजी? अरे खुद को बाजी की परछाई कहता है। परछाई कभी शरीर का साथ छोड़ती है क्या? बोल कहाँ है बाजी? सांप सूं गया क्या? बोल ना, कहाँ है?
क्या है ये? बाजी अल्पायु है, इसकी आयु लंबी नहीं होगी। बाबू क्या हुआ? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बोलो ना। बाजी बालक को मारू भूमि के विशीले घोड़पेड़ों ने काट लिया है, वो भी एक नहीं कई बार। बाजी उठ, उठ बाजी, बाजी उठ ना। बाजी आप लोग खड़े क्यों है? आइए बैठी को लेके आइए। हाँ। पीपल के पत्ते और कुछ के घास की चटाई अभी के अभी रजनी। बाजी डर मत भियो, ये जोखी तेरे भाव के शरीर से सारा जहर चूस लेनी। हाँ चिमना, इसे अंदर लेके जा। सेल्वी, आई को काम करने। नहीं भियो, अगर तू आई की बात नहीं मानेगी ना तो जब बहू उठेंगे ना तो मैं तेरी शिकायत करूंगी वन से कि तू आई की बात नहीं मान रही थी। सेल्वी भाव, मैं डांट खा लूंगी, चाटा भी खा लूंगी, बस तुम ठीक हो जाओ। नहीं, मुझे भाव के पास आना है, मुझे छोड़ो। नहीं, मुझे भाव के पास रहना। नहीं बाजी, मैं जानती हूँ तू मेरी बात सुन रहा है, बड़ा अटी है तू। आज तक तूने अपने आई की एक भी बात नहीं मानी ना, लेकिन आज तुझे अपने आई की बात माननी पड़ेगी। हाँ, आई की बात माननी पड़ेगी। आंखें खोल, आंखें खोल बाजी। अब नास्य और अंजना क्रिया प्रारंभ करते हैं। मैं जो जो कहूं आप वैसे ही कीजिए।
ये लीजिए ये दिव्य तेल, इसे उसकी नाक में डालना है, और ये अंजना, इसे उसकी आंख पर, ये लीजिए डालिए। अब दूसरी नासिका पर तो अब जीवन मरण तो महादेव के हाथ में है, मेरे हाथ में तो मात्र प्रयास करना है, और वो मैंने कर दिया। सुश्रुत संहिता के अनुसार जितना उपचार हो सकता था उतना हमने किया, पर यदि शीघ्र ही बाजी की चेतना वापस नहीं आई तो ठीक है बाबा, काश आप यहाँ होते, आपके बेटे को आपकी जरूरत है और मुझे भी।